उसकी बीवी अब उसकी पत्नी उसकी वाइफ ले रही है, पत्नी तो ले रही है ना, अब पत्नी को क्यों नहीं दिखाते मीडिया के लोग? हम बताएं सर, नहीं पत्नी का दिखाए आप तो मां, नहीं नहीं आप लोग जो है मां को दिखाए हैं, पत्नी कह रही है वो खुद मां कह रही है पत्नी है वो जाके ले रही है, अब तो मर गया ना वो, अब लाश भी ना लें क्या? बोल दीजिए ले रही है पत्नी है ले रही है अपनी लाश को। हम जो शम्स साहब जो अपने उस बेहतरीन एक्सपोजे में जो उन्होंने सवाल उठाए, मैं उन सवाल को उठा रहा हूं। एजेंडा क्या बोलते सर, मतलब इसके पीछे एजेंडा क्या है? क्या एजेंडा है मेरे को नहीं मालूम, एजेंडा आप ना बोलो, एजेंडा क्या है? हम तो ये चाह रहे थे कि उमेश पाल हो राजू पाल, अरे सजा दिलाओ भाई लोगों को, जिस किसी ने भी हत्या की उन पे केस चलाओ, सजा दिलाओ, जेल में रखो और जिंदगी भर सड़ा दो जेल में उन लोगों को। सर सजा कैसे दिलवाएं जब ये लोग गवाहों को ही मार रहे हैं, इनका एक टेरर रहा है, इनका करीब 3 दशक का क्रिमिनल इतिहास रहा है। एक बात सुनिए, आपको सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप ले जाकर स्टेटमेंट करवाइए विटनेसेस का, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट करवाइए, एनएसए लगा सकते आप, अभी तो वो ड्रेकोनियन कानून है जिसमें क्या बोलते हैं उसमें 120 दिन आप जेल में रहते हैं यूएपीए, ऐसे सब आपके पास है ना। चलिए मेरा इख्तलाफ उस कानून से था है रहेगा, मगर अच्छा ये बोलिए वीडियो एविडेंस आपके नहीं बोल रहे लड़का ये वही लड़का, अरे भाई तो एविडेंस मिल गया ना आपको, जब आप तो अभी तक नहीं कहे कि वो मरने वाला वो फोटो वही थे उसकी, मगर जब आपके नहीं वीडियो एविडेंस सजा ला सकते थे आप, वही है क्या? अगर है तो भी सजा दिलवा सकते थे आप, बोल दीजिए है नहीं है वो भी नहीं कह रहे आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।